आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तालिबान के मुसल्ला जंगजू हैं वो खड़े हैं और उन्होंने जो बॉर्डर की अपनी पोजीशंस हैं वो संभाली हुई हैं। वैसे तो एज सच कोई यहाँ पे कशीदगी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने देखा है कि जो आम अफगानी हैं वो इन लोगों के साथ बात करचीत करते या कम्युनिकेट करते नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो इस वक्त जो अफगानिस्तान से आने या जाने वालों की तादाद है या रश है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि हमने देखा जो यहाँ पे पाकिस्तान आने के लिए दाखिल हो रहे हैं अफगानिस्तान से वो उन लोगों की एक कतार है। और हमने पूछा कि क्यों इन लोगों को अभी तक दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, तो उनका कहना था कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसके बाद से जो लोगों की जांच पड़ताल है उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है। माजी में सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर हमला हो या 1996 में अफगान तालिबान का पहला दौर हुकूमत या फिर 2001 में अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला, जो अफगान महाजरीन थे वो तोरखम बॉर्डर के ज़रिए ही ज़्यादातर पाकिस्तान दाखिल हुए थे। लेकिन एक वजह महाजरीन के दाखिले की पाकिस्तान में ये भी थी कि उस वक्त ना तो बाढ़ मौजूद थी और ना इस तरह इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज और एफसी तैनात थी। हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान अफगान महाजरीन वो आए हों। अगर इस तरह से कोई सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान ने पहले भी अफगान महाजरीन को सपोर्ट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है इस मेहमान नवाजी को मेंटेन रखेगा और अगर इस तरह से कोई और लोग भी आएंगे तो वो एकोमोडेट कर लेंगे।